हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं जॉब्स गाइड। गाइस आपको पता है काफी दिन के बाद इस चैनल पे मैं ओपनिंग्स डाल रहा हूँ। उसके रीजन कई ढेर सारे थे, उसे बहाने कह सकते हैं उनको, क्योंकि मैं घर गया हुआ था, उसके बाद वापस आया तो वक्त नहीं मिल पाया, तो मैं ओपनिंग्स नहीं डाल पाया। तो मैंने सोचा आज इतनी ढेर सारी ओपनिंग्स डाल दूंगा, स्ट्रक्चर्स के लिए भी, बीम के लिए भी, और कुछ लोग बोल रहे थे सर साइड का भी बता दीजिए। तो मैं स्ट्रक्चर्स, बीम और साइड तीनों की ओपनिंग्स, बल्क ओपनिंग्स यहाँ पर है। इन सभी ओपनिंग्स का जो क्या बोलते हैं लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपना टेलीग्राम का चैनल है, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन ओपनिंग्स है सारी, आप देखोगे एक तरफ से तो एक से बढ़ के एक ओपनिंग्स है, और मैक्सिमम कोशिश किया है जेनुइन कंपनियां रहे, तो 99% चांस है कि सारी की सारी कंपनियां अच्छी ही होंगी। और आप कुछ को तो मैं ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो कि अच्छी थी, तो मैंने उनको भी आपके साथ शेयर करने का सोचा है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पुणे से, क्योंकि मैं इसे पुणे में हूँ तो यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो पहली बात ये होनी चाहिए कि पुणे से स्टार्ट करें। तो पुणे में यहाँ पर जो पहली ओपनिंग्स मुझे मिली है रैबिट मॉड्यूलर के लिए मिली हुई है, आर्किटेक्चर में, ठीक है, नीलसॉर में मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, आप एक्सपीरियंस मत काउंट करिए, आप चुपचाप अप्लाई कर दीजिए। बहुत से बच्चे, मेरे खुद के गुरुकुल बैच के बच्चे, जो आप सबको पता है गुरुकुल, गुरुकुल से याद है कि अभी आप सबको होली का ऑफर चल रहा है, तो यूनिक्स सिविल ऐप पर आप बीआईएम का कोर्स अपग्रेड कर सकते हो, खुद का स्ट्रक्चर्स का अपग्रेड कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। अगर आपने अपग्रेड ऑलरेडी कर रखा है तो नॉट रिक्वायर्ड, उसमें 50% ऑफ चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक करियर सैटेलाइट nilsoft.com, यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं डाल के रिज्यूम अपना शेयर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, इट विल बी हेल्प फॉर यू। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है यहाँ पर, वो ओपनिंग्स है यहाँ पर बीआईएम कोऑर्डिनेटर का, जो कि बीआईएम मॉड्यूलर के बाद की प्रोफाइल होती है। वैसे तो इसके लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर 5 PCS लिखा हुआ, पर 2 साल इज ओके। अगर 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छी एमएनसी है। ठीक है, ओलस, इसमें आप अप्लाई करिए। फॉरेन के प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम करती है, इसलिए पैकेज भी आपको बहुत अच्छा देती है। आप नीचे देख सकते हो 10 लाख के आसपास तक की सैलरी आपको दे सकता है, और एक एवरेज सैलरी इनका 11 लाख तक गया हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर बीम आर्किटेक्ट के लिए, सब पुणे की है, हर एक जगह के तीन तीन चार चार ओपनिंग लेके आए हैं। पेशेंस रख के देखना अच्छे से, क्योंकि मैंने काफी मेहनत किया है और कोशिश कर रहा हूँ, और वादा भी कर रहा हूँ कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 ओपनिंग्स वीडियो जरूर दूंगा, ऐसा मैंने प्रयास करने का प्लान बना रखा है। तो बीएम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है, और इसके लिए डक्कन एंड रोज कंसल्टिंग आप सबको पता है काफी अच्छी कंपनी है, इसमें ओपनिंग्स है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। फ्रेशर्स, बीएम आर्किटेक्ट, बीएम मॉड्यूलर, ये बीम की पहली प्रोफाइल होती है, तो आप बेशक एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जैसा हमारे गुरुकुल के बच्चों को आपने यूट्यूब पे देखा हुआ है, बहुत ढेर सारी प्रोफाइल्स, वैसे ही आपको आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो यूनिक सिविल ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चले जाओ, 8-10 पोर्टफोलियो के सैंपल्स मैंने रखे हुए हैं, आप सिंपल उन पोर्टफोलियो को डाउनलोड करके देखो और उसी लेवल का बना के शेयर कर दो। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है अजीज अकीम आर्किटेक्ट, और भी मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, क्योंकि काफी ओल्ड कंपनी है ये, और काफी अच्छा इनके यहाँ सीखने को मिलता है, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इनके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे सारी कंपनियां पुणे की, अब आगे भी तो चलेंगे, तो चलते हैं मुंबई। तो मुंबई में है बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए, किसके लिए, बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए लेजर एंड टर्बो का एक मुझे लगता है थर्ड कंपनी होगी, या फिर हो सकता है मेन कंपनी भी हो सकती है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में इनका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल के लिए है। नेक्स्ट जो है वो है बी मैनेजर के लिए, कहां के लिए, बी मैनेजर के लिए है, और ये भी मुंबई के लिए है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बीम में तो इस पे अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बीम मॉड्यूलर के लिए कर दीजिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है बीम कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसके लिए मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज अच्छा है, नेविस्वर का अच्छा नॉलेज है, BIM 360 का अच्छा नॉलेज है, ऑटो कैड का, रेबिट का, ये सब अपने यूनिक सिविल ऐप पर कंप्लीट BIM का जो पूरा कोर्स है उसके अंदर सब बता रखा है मैंने, तो अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं और इनके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप पैकेज देख लो, लोग बोलते हैं पैकेज कहाँ है, ये देखो 7 लाख से पैकेज स्टार्टिंग हो रही है, 14 लाख तक का पैकेज है, 14 लाख का पैकेज है अगर आपके पास टैलेंट है, और क्या बोलते हैं इंडीड के अकॉर्डिंग तो 19, बट आई थिंक 14 इज ओके, ठीक है, 19 मैनेजर के लिए है। चलो नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी याद रखिए, आपके बीआईएम में बहुत पैकेज मिलता है, उसका मेन रीजन क्या है, ये सब कंपनियां इंडिया के प्रोजेक्ट बहुत कम करती हैं, फॉरेन के प्रोजेक्ट करती हैं, इनके जो प्रॉफिट्स है वो डॉलर में होती है, तो नो डाउट दे आर गोइंग टू दे आर रेडी टू पे गुड सैलरी।
बीआईएम इंजीनियर की प्रोफाइल है और बीआईएम कोऑर्डिनेटर भी इनको चाहिए इस कंपनी के लिए। तो इसमें आपको अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर दीजिए, अच्छी कंपनी है और क्या बोलते हैं आपके लिए अगर शॉर्टलिस्टिंग होता है तो दैट विल बी गुड। नेक्स्ट कंपनी है बीआईएम लीड्स, ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत है इनको, ठीक है, और ये कंपनी इनको नोएडा में भी चाहिए, गुड़गांव में भी चाहिए, चेन्नई में और मुंबई में, तो सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई एक ही कंपनी के अंदर, ठीक है। रेम्बोल कंपनी, रेम्बोल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, रिलायंस के लिए काम करती है, ठीक है, और अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी काम करती है, रेम्बोल बहुत बड़ी कंपनी है। तो गुड़गांव में अभी इनको बेसिकली चाहिए, बट इनको चाहिए स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स के लिए, मतलब अगर आपने रेबी स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बेसिकली इनको अप्लाई करिए, लगभग हर लोकेशन जो मेन लोकेशन है सभी के लिए इनको चाहिए। नेविस वर्क और रेबिट पर मेन इनका काम है, सिंपल ये दोनों ही, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो रेमबॉल में आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है आपकी बीम आर्किटेक्ट की, फिर से बता दूं, बीम आर्किटेक्ट, बीम मॉड्यूलर, ये फ्रेशर्स की पहली प्रोफाइल होती है, तो आप एज अ फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये मत देखा करिए कि 4 से 5 साल एक्सपीरियंस, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद सामने वाला मैनेजर पोजिशन के लिए अप्लाई करता है, छोटी मोटी पोजिशन, छोटी मतलब फर्स्ट पोजिशन के लिए कोई नहीं करेगा। आप अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई करोगे, नहीं करोगे, सेम यहाँ पर भी होता है। तो इनको दिल्ली एनसीआर के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपके पास अगर है, और ज्यादा इन्होंने मांगा भी नहीं है, LOD 350 तक का नॉलेज मांगा हुआ है, रेविट आपने पढ़ा हुआ है तो पढ़ के आप फटाफट अप्लाई कर दीजिए, और पैकेज भी देख लीजिए, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा संतोषजनक पैकेज भी है। ओपनिंग इतना ढेर सारा लाया हूँ कि अगर आप पूरा देखोगे तो मजा तो आएगा, प्लस मजे के साथ आप थक भी जाओगे, पर आई थिंक थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बी मार्केटिंग के लिए नेक्स्ट प्रोफाइल है इनटेक इंफ्रा टेक्नोलॉजी करके, भी हमारा एक स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट भी हुआ, आई थिंक उसने मुझे मैसेज किया था, गुड़गांव हरियाणा के लिए, गुरुकुल का एक स्टूडेंट अभी भी जस्ट सेलेक्ट हुआ इसी कंपनी में, तो उसी के माध्यम से मैंने नाम सुना था तो मैंने आपके लिए सर्च कर लिया, ठीक है। तो इनके लिए बी मार्केटिंग की प्रोफाइल के लिए चाहिए, एकदम फ्रेशर बंदा अप्लाई कर सकता है, 4.7 से इनका पैकेज स्टार्ट होता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बी मॉड्यूलर के लिए, एक्सेस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है, ये भी इनको इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स का अगर आपके पास नॉलेज है, 30,000 पर मंथ दे रहे हैं, डे शिफ्ट है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज है, ठीक है, तो आप इनको अप्लाई कर दीजिए। और डायरेक्ट इनके यहाँ पर आप नंबर दिया ऑलरेडी, तो मतलब आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेडलाइन के लिए भी टाइम है, तो आप सॉरी टाइम तो यार इसने खत्म कर रखा है, मुझे लगता है मिस्टेक से लिखा हुआ, क्योंकि ओपनिंग्स जो है ओके ठीक है, यहाँ पर डेडलाइन आई थिंक ओवर हो गया है, फिर भी आप अप्लाई कर देना, अगर क्या अभी रिक्वायर्ड होगा दोबारा तो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर 100%। नेक्स्ट जो कंपनी है जस्ट 3 डेज ही हुआ है, बीम सर्व, बहुत बड़ी कंपनी है, भी है बीम सर्व LLP, ये बीम कोऑर्डिनेटर के लिए है, ठीक है, तो बीम कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए और आप किसी भी शॉर्टलिस्ट हो सकती है। बीम कोऑर्डिनेटर बीम मैनेजर की प्रोफाइल के लेवल की प्रोफाइल होता है, तो एक अच्छी प्रोफाइल होती है बीम कोऑर्डिनेटर की। नेक्स्ट है बीम आर्किटेक्ट के लिए, नो डाउट फ्रेशर्स इनको लगने वाले हैं, ठीक है, आपने बीआर किया है, बीटेक किया है, दोनों के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसलिए सामने वाला देखता है आपके पोर्टफोलियो को, अगर पोर्टफोलियो में दम है तो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड। बीम के लिए मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बीम का मेन कंप्लीट ही होता है रिक्वायरमेंट पोर्टफोलियो के बेस पे, तो पोर्टफोलियो अच्छा तो सब अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर की प्रोफाइल है, ठीक है, टेक्नो इंटीरियर करके कंपनी है, ठीक है, इनकी आप देख लीजिए रिक्वायरमेंट, अगर आपको अच्छा लगे, अभी एकदम फ्रेशर रखेगा बंदा, क्योंकि 15 से 20 हज़ार रुपये इनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, तो 15 से 20 में तो फ्रेशर ही को ही लेने वाले हैं लोग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उत्तर प्रदेश में, नोएडा हो गया, नोएडा के बाद आगे चलते हैं सिविल साइट इंजीनियर के लिए, हमारा एक स्टूडेंट है, उसने बोला था सर प्लीज साइट इंजीनियरिंग के लिए जॉब सर्च करिएगा, ठीक है, तो मैंने उसके लिए ही सोचा था, फिर मैंने सोचा सबको बता देता हूँ, ठीक है, तो इसके क्योंकि मैं साइट के जॉब्स के लिए थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उसमें लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा आपको पता है हेरेसमेंट हो जाता है एक तरीके से, तो लेकिन उसने बोला था तो मुझे बताने का वो हुआ कि चलो बताते हैं कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, ठीक है, पैकेज ठीक ठाक है इनके यहाँ पर आप सब समझ सकते हैं। अभी एक लड़के ने मुझे फोन किया कि सर मेरा 12 घंटे का जॉब है साइट पर, अब 12 घंटा एक बहुत बड़ा टाइम होता है, आप भी समझ सकते हैं आपका लाइक पर्सनल लाइफ कैसे आप मैनेज करोगे, ठीक है, और अगर आपके पास 2-4 गर्लफ्रेंड है तो फिर उनको कब रिप्लाई दोगे, इस चीज को भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, साइट इंजीनियर की प्रोफाइल है, साइट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए यहाँ पर एक और कंपनी है जिसको नोएडा और उत्तर प्रदेश की ओपनिंग है, आपको और कहीं की ओपनिंग चाहिए, जैसे कि मैंने नोएडा की उसने बोला था इसलिए मैंने नोएडा की ओपनिंग सर्च किया, और कहीं की ओपनिंग चाहिए तो प्लीज डू कमेंट कि सर मुझे इस लोकेशन का इस प्रोफाइल का चाहिए,
ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग से बताते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग है वी कनेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिविल साइट इंजीनियर, इनको भी चाहिए, नोएडा में ही चाहिए क्योंकि उसने नोएडा के लिए बोला था। ठीक है, और एक बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल हैदराबाद में अबराज डिजाइन सॉल्यूशंस करके। ठीक है, और ये जो इनकी सेल एक्सपीरियंस आपको मुझे दिख रही है इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हायर द फ्रेशर्स, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए हैदराबाद में अगर आप हैं तो। नेक्स्ट है बी मॉड्यूलर की दूसरी प्रोफाइल। ठीक है, और इसमें अभी बी मॉड्यूलर का प्रोफाइल स्टार्ट ही होता है फ्रेशर लेवल पे, तो बेसिकली आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनको ऑटो कैट चाहिए, रेविट चाहिए, नेविस वर्क चाहिए, अगर टिकला आता होगा तो एडवांटेज मिल जाएगा आपके लिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है बीम कोऑर्डिनेटर के लिए, और ये भी हैदराबाद का है। मैंने सोचा कि नोएडा कवर करते हैं, गुड़गांव, मुंबई, पुणे और लाइक उसके बाद हैदराबाद, तो हैदराबाद के लिए ओपनिंग्स है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ नंबर ओपनिंग्स 3 है, 6 AM to 3 PM, आई थिंक ये फॉरेन के प्रोजेक्ट करते हैं लोग, तो 6 AM मतलब 6 बजे सुबह से है, थोड़ा टाइम अकॉर्ड है, बट आपका परफेक्ट आपके लिए ओके है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग है बीम स्पेशलिस्ट का, ये भी बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है बीम स्पेशलिस्ट, बीम मॉड्यूलर और जो उसके बाद इसको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमएपी तीनों का अच्छा नॉलेज होता है, उसके लिए बीम स्पेशलिस्ट की हायरिंग होती है। ठीक है, और इसमें भी एक अच्छे प्रोफाइल और अच्छी सैलरी आपको लगभग इस पर मतलब अच्छी सैलरी मिलती है इसके अंदर, तो आपका मन करे तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है बी मॉड्यूलर की। ठीक है, स्ट्रक्चर वाले सोच रहे हैं सर मेरे लिए ओपनिंग नहीं है, टेंशन मत लो, रुको आगे तुम्हारे लिए भी ओपनिंग्स है, पर पहले मैंने ये बीएम का सर्च किया था, तो बी मॉड्यूलर के लिए आर्चडिस कंपनी है बैंगलोर में। ठीक है, इस कंपनी में आप अप्लाई कर दीजिए, और क्या बोलते हैं अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना हमारे पास अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप बस कंपनी का नाम बता देंगे, हम बता देंगे कि वहां पूछा क्या जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा, उसके लिए कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर मेरा यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुआ है। बी मॉड्यूलर एंड ऑटोकैड कंसल्टेंट दोनों की जरूरत है इनको, हरमन इंटरनेशनल बैंगलोर की कंपनी है, आप इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। कोशिश किया है कि कोई भी लोकेशन छूटे ना आपसे, अभी नासिक और नागपुर को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, नेक्स्ट टाइम सोचूंगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ की ओपनिंग चाहिए। बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल की ओपनिंग से स्काई ट्री कंसल्टिंग इंजीनियर, हर एक बैंगलोर का बंदा जो है उसको पता रहता है स्काई ट्री बहुत बड़ी कंपनी है बैंगलोर की, तो इनको अभी के लिए जो जरूरत है वो ऑटो ऑटोडेस्क रेविट की और नेविस वर्क की रिक्वायर्ड है, अगर आपको आता है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा भी चलेगा डिग्री भी चलेगा, नो इशू। ठीक है, दोनों ही प्रोफाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्काई ट्री स्ट्रक्चर्स में भी काम करता है, बीआईए में भी काम करता है, एसटीम में, बहुत बड़ा काम है इनका। और अब आते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छी कंपनी पुणे की है सबको पता है वाल्टर पीमोरे। ठीक है, वाल्टर पीमोरे के पास हर तरह के स्ट्रक्चर्स के वर्क होते हैं, तो इनके यहाँ सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल की ओपनिंग्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो सैलरी स्टार्ट हो रही है 19,000 से हो रही है, मतलब आप समझिए कि फ्रेशर भी अगर आप हैं तो भी आपके लिए चांस है शॉर्ट लिस्टिंग का। पुणे की सबसे अच्छी स्ट्रक्चर्स की कंपनी वाल्टर पीमोरे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है हॉलटेक एशिया, और क्या बोलते हैं हॉलटेक एशिया के बारे में कुछ मुझे बताना आप लोग, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कोई इसके बारे में जानता है तो मुझे बताना, ये कंसल्टेंसी है या फिर कंपनी है, मुझे पूरा नहीं पता है, थोड़ा डाउट में हूँ, आपको अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई स्टूडेंट अभी तक है नहीं तो मुझे इसके लिए आइडिया नहीं है। ठीक है, हॉलटेक एशिया। नेक्स्ट जो कंपनी इनके यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल है, और आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है ASEC, इनको एंट्री लेवल खुद ही इन्होंने लिखा हुआ है, इस एंट्री लेवल का मतलब ही होता है कि फ्रेशर्स की प्रोफाइल है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2.5 लाख के आसपास से पैकेज देंगे। ठीक है ना, लर्निंग के लिए स्टैट प्रो पे काम है इनका, तो आपके लिए तो बेटर है कि आपको लर्निंग मिलेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट बोलने का रीजन आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा ओपनिंग्स है, सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए है। ठीक है, सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए ब्यूरो हैबिट इंजीनियरिंग मुंबई की कंपनी है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टैट प्रो की जरूरत होगी, ईटैट की जरूरत होगी, और क्या बोलते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो शॉर्टलिस्टिंग का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कंपनी है स्ट्रक्चर इंजीनियर एंट्री लेवल, मतलब लेवल 1। लेवल 1 मतलब होता है फ्रेशर्स के लिए चाहिए इनको, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर शॉर्टलिस्टिंग होता है तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल आल्सो। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कंपनी है यहाँ पर सिविल एंड स्ट्रक्चर्स डिजाइन इंजीनियर की, LNT जियो स्ट्रक्चर्स, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कंपनी है। ठीक है, कोलकाता के लिए है, तो इनको रेविट चाहिए, टिकला चाहिए, सिविल 3D चाहिए, और तो इनका ऐसे लग रहा है एनसीस चाहिए। ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर का अगर आपके पास स्किल है तो आप LNT जियो स्ट्रक्चर्स में अप्लाई कर सकते हैं, सबको पता है LNT का अच्छी ब्रांड है, तो नो डाउट आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो कंपनी, अभी सब स्ट्रक्चर इंजीनियर की प्रोफाइल चाहिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए इनको। ठीक है, कहाँ चाहिए, कोलकाता में ही चाहिए। ठीक है,
कोलकाता के लिए हमें एक स्टूडेंट है हमारे विक्रम, उन्होंने बोला था, तो इसलिए मैंने कोलकाता के कई ओपनिंग्स निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनकी नॉर्मल ही कंडीशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं इनके यहाँ पर। बट जब भी अप्लाई करना, रिज्यूम कवर लेटर और पोर्टफोलियो, और एक ही रिज्यूम को हर जगह मत लगाया करो। कितनी बार बोलूं, लोग बोलते हैं सर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, तो रिज्यूम को देखो कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट करना पड़ता है, तब भेजना पड़ता है। एक ही रिज्यूम को आप इतने जॉब में अप्लाई कर देंगे, कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आप सिर्फ 3 जगह का टारगेट करो, बट उस रिज्यूम को देखो, रिज्यूम में वो कीवर्ड्स डालो जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अब सपोज तुम इसमें कर रहे हो सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए चाहिए, अगर तुम्हारे उस रिज्यूम के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स का एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं होगा, क्योंकि लीड करने की बात हो रही है। अगर आपने ये नहीं मेंशन किया कि मुझे जी ड्राइंग का पूरा नॉलेज है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग का, डिटेल ड्राइंग्स का, तो आपको कैसे शॉर्टलिस्ट कर लेगा। इसलिए रिज्यूम में हमेशा हर ओपनिंग्स के लिए अलग से एडिट किया करो। इसको बोलते हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रिज्यूम। अगर आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो रिज्यूम जाएगा कंपनी में और एक तरफ एटीएस सॉफ्टवेयर वो लोग लगाएंगे, आपके रिज्यूम को डाल लेंगे, वो रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब अप्लाई करना न करना आपका बराबर है, कोई उसका बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की सीवी इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, मुझे पता है। यहाँ तक तो लोग वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, इतना पेशेंस ही नहीं होगा, पर जो देख रहे हो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखो। कंपनीज कभी भी आपके रिज्यूम को ओपन करके नहीं देखती, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। वो सॉफ्टवेयर रखती है जिसका नाम है एटीएस, उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं और आपके रिज्यूमे को उसमें से टॉप 20 टॉप 30 सीवी वो निकाल के दे देता है, और उसी के बेस पर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर किसी को एटीएस के बारे में और जानना जानना है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा एटीएस के बारे में भी कवर कर दूंगा। नेक्स्ट कंपनी है सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए। अच्छी बात यह है कि बुट पर है ये, बुट मतलब होगा डेफिनेटली ये बाहर के प्रोजेक्ट करते होंगे ये लोग, कोलकाता के लिए ही ये ओपनिंग्स है। और अच्छा होता है कि आप बुट में भी काम कर रहे हो तो फॉरेन में आपका काफी ज्यादा डिमांड रहता है, खासतौर से कनाडा में, यूएस, यूके में, जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट कंपनी है ब्रिज डिजाइन इंजीनियर के लिए, अगर किसी ने सीसीआई ब्रिज वगैरह सीखा हुआ है, कोलकाता के लिए है, बोयंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हमारा एक स्टूडेंट काम भी करता है, स्टेट्रो पे इनका काम है, मिडास पे काम है। ठीक है, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो इस पे काम है, आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट कंपनी है स्ट्रक्चर्स ड्राफ्टमैन का। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर का इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, वन टाइम में शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन का करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंट्री इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेस्ट रहता है, बहुत नॉलेज मिल जाता है, सीवी अच्छे से एडिट कर लेना, स्ट्रक्चर दिखाना कि स्ट्रक्चर ड्राइंग्स पूरा ड्राफ्टिंग कर सकते हो, और करके आप अप्लाई कर देना। होप सो शॉर्टलिस्टिंग हो, और शॉर्टलिस्टिंग होता है तो हमें जरूर बताना, सो दैट हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाए मोदी जी की तरह। सिविल इंजीनियर के लिए नेक्स्ट कंपनी है, ठीक है, इनका शिखा पूरिया रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के लिए ओपनिंग्स है। ठीक है, 2 साइट इंजीनियर इनको चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक का प्रोजेक्ट है, और जिसको भी एक्सपीरियंस लेना है इसमें, दे कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। नेक्स्ट जो कंपनी है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए है, एस्पायर लेडर्स करके, काफी अच्छी कंपनी है नोएडा की, और इस कंपनी में इनको जनरल चीजें ही चाहिए होगा, तो कॉन्ट्रेक्टर को मैनेज करना है, उनको बताना है काम के बारे में, और अपने डिटेल ड्रॉइंग्स बना के देने हैं, सिंपल। नेक्स्ट कंपनी है एस्पायर लेडर्स के लिए, शायद रिपीट हो गई ओपनिंग्स, और यहाँ पर प्रिपेयर इनके डिजाइन प्रिपेयर करना है, ड्रॉइंग्स प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है, वही ईटैब पर स्टेट पर काम करके ड्रॉइंग्स प्रिपेयर करके देना है, बेसिक वर्क ही है। आप बिल्कुल अप्लाई करिए, आप कर सकते हैं, देन यू कैन अप्लाई। ऑल इन वन जो अपना कोर्स है, उस ऑल इन वन में इनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हमने सब कुछ 250 घंटे में रिकॉर्ड करके यूनिक सिविल ऐप पर दे दिया है, एंड द फीस वो सम इतना कम है कि आप जाके खुद ही देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, या फिर यूनिक सिविल के वेबसाइट पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो कंपनी टीपीसीएल, यहाँ पर अभी हमारा एक स्टूडेंट है, उसके बारे में डिटेल है नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट वो अभी भी जस्ट सिलेक्ट हुआ है टीपीसीएल में, और ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती है। टीपीसीएल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन नोएडा इन स्ट्रक्चर्स, आप इस कंपनी में अप्लाई कर दीजिए। ईटीएफ चाहिए इनको, सेफ चाहिए, आरसीडीसी चाहिए, रेविट चाहिए, और ये सब कुछ ऑल इन वन के अंदर इंक्लूड है, तो आप जाइए फटाफट इस पे अप्लाई कर दीजिए। आपको कुछ भी प्रिपरेशन करना है तो आप आराम से हमारे क्या बोलते हैं वेबसाइट पर जाके वहां पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, और भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो सो दैट की उस हेल्प को हम लोग कोशिश करें कि आपके साथ साझा कर सकें। तो आप अवर कोर्सेस में आ जाना, यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, बट अच्छा होगा कि आप या तो स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है तो ऑल इन वन के लिए करना, और बीआईएम में बनाना है तो फिर आप क्या बोलते हैं बीआईएम कर देना। स्ट्रक्चर्स पे ऐसे क्लिक करोगे, अभी इस समय आपके लिए बेनिफिट है, यहाँ पर देखो एक कूपन दिख रहा है,
अप्लाई हियर करोगे 3000 का कूपन है, ठीक है, तो ये तुम्हारा 3000 ऑफ हो जाएगा, ओनली 3000 में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। काफी दिन हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को लगेगा सर इतने दिन से ओपनिंग्स नहीं डाले, तो मैंने एक साथ सेपरेट ओपनिंग डाल दिया, जो कि लगभग 5-7 वीडियो के बराबर एक अकेला वीडियो है। इस वीडियो को शेयर करना, मेरा उत्साह बढ़ाना, जिससे कि क्या बोलते हैं, मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ साझा करूँ। कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डेज पे आपके लिए जॉब्स गाइड चैनल पर ऐसे ही ओपनिंग्स लाता रहूं, पर इतना नहीं लाऊंगा, 5-6 5-6, क्योंकि इतने वो लोग थक जाएंगे ओपनिंग्स देखते देखते। इन सारे ओपनिंग्स का अगर आपको लिंक चाहिए, ठीक है, तो नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना, वहां सारा सीरीज से आपको दे दूंगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक एक करके अप्लाई कर दीजिए, जहां पर आपका लक होगा और शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। चलिए, जय हिंद जय भारत। और क्या बोलते हैं, वीडियोस आपको किस लोकेशन के लिए चाहिए जॉब के लिए, नीचे कमेंट करना, हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब जैसे गोविंद ने मुझे बोला कि सर मुझे साइट के लिए चाहिए, विक्रम ने बोला मुझे सर कोलकाता के लिए चाहिए, तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया उस लोकेशन का जॉब सर्च करके आपके लिए लाने के लिए। सर्च आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ हो सकता है कि जेन्युइन जॉब न मिल पाए, हमें मैक्सिमम कंपनियों का नाम पता होते हैं, तो इसलिए हम जेन्युइन कंपनी आपके लिए ला पाते हैं। थैंक यू सो मच।